नमस्कार। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। 5 सितंबर यह तिथि अपने आप में खास है, क्योंकि आज के दिन लोग आजाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस, दूसरे शब्दों में कहूँ तो गुरु दिवस, टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। आज के दिन इस मंच से मैं शुभम तमाम शिक्षक जनों का, गुरुजनों का, टीचर्स का सम्मान व्यक्त करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। मेरे जीवन में अगर थोड़ी सी भी शिक्षा है, मुझे अगर थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो यह सब गुरुजनों का ही आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा है। टीचर्स, अगर इनके रोल की बात की जाए तो इनका रोल न केवल एक स्टूडेंट के जीवन में है, बल्कि एक समाज में भी है। हम टीचर्स के बिना एक सभ्य समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। टीचर्स वो होते हैं जो एक ऐसे बच्चे को, जो अभी अभी जिसने बोलना सीखा है, वहां से लेकर उसे एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनाकर तैयार करते हैं। टीचर केवल वो नहीं होते जो हमें बुक नॉलेज देते हैं, बल्कि वो भी होते हैं जो हमें एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, जो हमें सिखाते हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, जो हमें इस दुनिया में संघर्ष करने की शक्ति देते हैं, और उस शक्ति में सबसे बड़ा हथियार देते हैं, और वो है शिक्षा। कई स्टूडेंट्स के जीवन में आपने सुना होगा टीचर्स के अलग अलग रोल होते हैं। जैसे कई स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स मेंटोर होते हैं, कई स्टूडेंट्स के लिए टीचर उनके लिए हीरो होते हैं, कईयों के लिए वेलविशर होते हैं, कईयों के लिए वो बेस्ट फ्रेंड की तरह होते हैं। यानी अगर खुले शब्दों में कहा जाए तो एक टीचर एक ही दिन में कई रोल्स प्ले करता है। आज के दिन हम सब यह सोचते हैं, हमारे मन में यह सवाल आता है कि हम अपने टीचर को क्या गिफ्ट दें, क्योंकि आज के दिन हमारे मन में यह भावना होती है कि एक ऐसा व्यक्ति जो टायरलेसली हमारे लिए एफर्ट कर रहा है कि हम अपने जीवन में अच्छा कर सकें, एक ऐसा व्यक्ति जिसे थर्ड पेरेंट कहा जाता है, आज के दिन हम लोग क्या उन्हें उपहार में दे सकते हैं। कई बार लोग यह सोचते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट गिफ्ट फॉर आवर टीचर्स, व्हाट शुड आई बाय फॉर आवर टीचर्स, फॉर माय टीचर। तो एक ऐसा व्यक्ति जो आपको एकदम जीरो से, शून्य से एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनाकर तैयार करता है, एक सफल इंसान बनाता है, एक ऐसा इंसान बनाता है जो दुनिया में ऊंचा मुकाम हासिल कर सके, एक अच्छा, एक नेक, एक योग्य, एक कुशल इंसान बनाता है, और उसके क्रेडिट को भी लेने की मनसा नहीं रखता। क्या ऐसे किसी व्यक्ति को हम कोई मोबाइल, कोई वॉल क्लॉक, कोई टैबलेट, कोई डायरी, पेन, कुछ भी ऐसी वस्तुएं देकर उपहार में क्या हम उन्हें वास्तविक रूप से खुश कर सकते हैं? क्या ये उनके लिए बेस्ट गिफ्ट है? मेरा ओपिनियन इस पर तो औरों से अलग है। मेरा ये मानना है कि टीचर के लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट ये है कि आप उनकी लर्निंग से अपने अंदर इतनी काबिलियत लाएं, आप उनके लर्निंग्स को यूटिलाइज कर अपने आप को इतना दक्ष बनाएं, इतना एफिशिएंट बनाएं, कि आप उसके दम पर अपने आप में, समाज में, देश में, संभव हो तो दुनिया में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकें। और यही किसी भी टीचर के लिए बेस्ट गिफ्ट है। आप किसी भी टीचर से पूछकर देखिएगा इस सवाल को कि सर जी, दिल पर हाथ रखकर बताइए कि मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट गिफ्ट क्या हो सकता है, तो उनका जवाब भी इससे मिलता जुलता होगा। फिर भी अगर आप कोई गिफ्ट देना ही चाहते हैं उपहार अपने शिक्षक को, तो प्रयास करिए कि उसे अपनी एफर्ट से तैयार करिए, अपने दिल से खास उनके लिए तैयार करिए, और फिर उन्हें दीजिए। अंत में जाते जाते ये जरूर कहूंगा कि मैं कोई शिक्षक नहीं हूं, मैं भी एक छात्र हूं, बस मेरा ये प्रयास होता है कि मेरे पास जितना भी ज्ञान है या मैं जितना भी सीख पा रहा हूं, वो दूसरों तक भी पहुंचाता रहूं, चाहे माध्यम कोई भी। जाते जाते यह भी कहूंगा कि हमेशा अपने शिक्षकों का आदर करें, सम्मान करें, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, जितना अधिक संभव हो सके और जहां तक संभव हो सके उनसे सीखें,
और उनकी लर्निंग्स को अपनी लाइफ में यूटिलाइज जरूर करें। सी यू सून। चाहिए।